दिस ईयर वी कैन सी ड्रास्टिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट ऑफ द कैट एग्जामिनेशन. कैट 2023 में 330,000 प्लस एप्लीकेंट ने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, जो खुद में एक हिस्ट्री है. जब जब कैट के नंबर ऑफ एप्लीकेंट इंक्रीज हुए, सीईटी का भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट में फ्लक्चुएशन देखने को मिला हुआ है. हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ. सो सेम थिंग वी कैन एक्सपेक्ट इन द सीईटी एग्जामिनेशन कि भाई नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने बढ़ेंगे. ठीक है, थोड़ा स्टार्ट समझते हैं. 2021 में जो कैट का नंबर था 255,000 के आसपास नंबर ऑफ जो रजिस्ट्रेशन थे. 2022 में थोड़ा नंबर कम हुआ, अराउंड 230 के आसपास. 2023 में नंबर 330,000. मैंने ऑलरेडी रीजन आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट क्यों इंक्रीज हुआ है कैट के अंदर. एक तो आई एम मुंबई ऐड हुआ था वो, दूसरा अवेयरनेस लोगों में गई है, तीसरा IFT ने कैट लेना चालू कर दिया. सो ऑल दीज आर द रीजन, यू कैन वॉच दैट वीडियो, ये वीडियो जाके देख लेना. ठीक है, सीटी के अंदर 2021 में 130,000 लोगों ने रजिस्टर किया था और 2022 में 168,000. सो ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 250,000 लोग के आसपास लोगों ने 2022. 2023 में नंबर थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ था, कम हो गया था. अब इस साल क्योंकि कैट के अंदर नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़े हैं तो होपफुली शायद सीईटी में भी 150,000 तो कहीं नहीं गया हुआ है, 1.5 आई एम स्पेकुलेटिंग कि इतने रजिस्ट्रेशन होंगे ही होंगे. उसके दो तीन रीजंस हैं. इस साल सीईटी ने एक तो नोटिफिकेशन सबसे पहले रिलीज़ किया हुआ है, सबसे जल्दी अक्टूबर में. मतलब खुद में वो हिस्ट्री है कि पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सीईटी ने इतने जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, सारे एग्जाम सीईटी एग्जाम की डेट दे दी उन्होंने. तो होपिंग दैट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दे माइट स्टार्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर. आइडली वो जैन एंड में चालू करते हैं, बट हो सकता है अगर दिसंबर में चालू किया या तो फिर अपडेट किया, नोटिफिकेशन दिया उन्होंने, तो विल मेक द वीडियो, डोंट नीड टू वरी. ये चैनल से कनेक्टेड रहो, मैनुअल एमबीए एंट्रेंस, यहाँ पे आई एम डूइंग द लाइव स्ट्रीमिंग ऑल्सो एवरी वीक और अपडेट भी मिलते रहेंगे. ठीक है ना, तो अगर विंडो फॉर्म फिलिंग का ज़्यादा मिला, 30-40 डेज या 45 डेज का विंडो मिला, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट बाई डिफॉल्ट बढ़ेंगे. बिकॉज इतने लोग का कैट लिख के हो गया आएगा, तब तक NMAT स्नैप हो जाएगा, तो आपके पास CMAT और CET ऑप्शन बचेगा. अगर ये एग्जाम अच्छे से नहीं गए हुए हैं, कैट नहीं गया अच्छे से, ZAT नहीं गया, NMAT स्नैप, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन CET और CMAT ही बचेगा. तो जनता को वहाँ फोड़ना ही पड़ेगा, दे हैव टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सजेस्ट CET के साथ CMAT भी लिखो और प्रिपरेशन आपकी भाई जल्दी से चालू करो, लेट नहीं करो. ठीक है, अक्टूबर अबाउट टू एंड है, तो आपके पास नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च में आपका एग्जाम है. ठीक है, डेट रिलीज ऑलरेडी उन्होंने कर दी है, तो 23rd and 24th March को आपका एग्जाम है. बैचेस वी हैव ऑलरेडी लॉन्च एट आर ऑल द सेंटर. अगर आप मुंबई में हो तो सेंटर विजिट कर लो, अगर आप मुंबई में नहीं हो तो लाइव क्लासेस यू कैन चेक इट आउट. मॉक टेस्ट, बुक्स, आपके वीडियो लेक्चर, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में. डू अंडरस्टैंड देर आर लिमिटेड सीट इन दी कॉलेजेस, लिमिटेड कॉलेजेस भी है महाराष्ट्र में. जितने लोग फॉर्म भरेंगे, लिखेंगे एग्जाम, सबको एडमिशन नहीं मिलने वाला. सो आपको 140-150 का टारगेट लेके चलना है CET के एग्जाम में. JBIMS, सिडनम, वेलिंकर, SIS, पुम्बा, जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, अगर आपका परसेंटाइल 99 प्लस आ रहा है तो डेफिनेटली आपको ये सारे कॉलेजेस मिलेंगे और आपको मेहनत करना ही पड़ेगा. बिकॉज परसुइंग MBA इज नॉट इम्पॉर्टेंट, परसुइंग MBA फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज इज इम्पॉर्टेंट. सो गाइज, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द कॉम्पिटिशन. अपने को फाइट करना, अपने को एक सीट सिक्योर करनी है बेस्ट MBA कॉलेज में, उसके लिए अपने को पढ़ाई चालू कर देनी है. प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.